क्वेश्चन नंबर 49, सैलरी ऑफ मैन इज 50,000 पर मंथ। सैलरी कितना है उसका? 50,000 पर मंथ है। फ्रॉम विच ही स्पेंड्स 20% ऑन रेंट। रेंट पर वो 20% खर्च कर रहे हैं। 50,000 का 10% कितना आएगा? 5,000। 20% कितना आएगा इसका? डबल, 10,000। 10% ऑफ रिमेनिंग ऑन बिल्स। अभी देखो, रेंट पर खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचेगा? 10,000 खर्च किया तो 40,000 उसके पास बचेगा, ठीक है। अभी इसका 10% बिल्स पे खर्च होता है, इसका 10% कितना होगा? 4,000। बिल्स पर कितना खर्च हो जाएगा? 4,000, ठीक है। चलो 20% ऑफ फर्दर रिमेनिंग। देखो उसने 40,000 में से 4,000 यूज़ कर लिया, नीचे कितना बचा? 36,000। अभी इस 36,000 का 20% जो है ऑन मिसेलेनियस, तो इधर मिसेलेनियस लिखते हैं, इसका 20% कितना आएगा? 36,000 का 10% आएगा 3,600। इसका डबल करेंगे तो कितना होगा? देखो 7,200। तो 7,200 उसका मिसेलेनियस पर खर्च हो रहा है, ठीक है। चलो अभी देखो उसके बाद क्या बोला है। फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट 36,000 में से 7,200 खर्च होगा, बचा कितना? 35 से 7 गया, कितना गया? 28,800 बाकी है। रिमेनिंग ऑल मैन गिव्स सम मनी टू हिज वाइफ एंड रेस्ट ही इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इन द रेशियो ऑफ 5:4। इसमें से वाइफ को कितना दे रहा है? 5x, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में कितना डाल रहा है? 4 है ना, तो 4x लिखते हैं। अभी देखो अभी क्या करेंगे अपन, बताएगा वाइफ को कितना दिया है, म्यूचुअल फंड में कितना डाला वो निकालेंगे। अभी 5x + 4x इतना है, ठीक है, मतलब 9x ये वैल्यू है टोटल। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 2,800/9। 9 3 9 2 0 0 3,200 × 5। अभी 5 वाइफ को दिया 5x ना, तो 5 × ये 3,200 का कितना आएगा? 0 0 16,000 वाइफ को दे रहा है, एंड इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखो 0 0 12,800 ये म्यूचुअल फंड में जा रहा है, ये वाइफ को जा रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, वाइफ को जा रहा है 16,000, म्यूचुअल फंड में जा रहा है 12,800, ठीक है। चलो आगे क्या पूछा है, आगे बोल रहा है कि फाइंड अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन रेंट इज हाउ मच लेस देन प्लेस और मोर देन अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। ओके, रेंट और म्यूचुअल फंड का बीच में उसने बोला है, म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू रेंट प्लस कितना? 12,800 माइनस 10,000 कितना होता है? 2,800। तो देखो 2,800 है।